गाइस, जब आप अपनी गाड़ी से हाईवे के टोल प्लाजा से निकलते हैं तो आपसे टोल टैक्स लिया जाना एक आम बात है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर किसी वाहन को टोल टैक्स भुगतान करने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार करना पड़े तो उस वाहन के लिए टोल टैक्स फ्री हो जाता है, यानी कि उस वाहन को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। भारत सरकार के नियम के अनुसार अगर टोल प्लाजा पर किसी वाहन को 100 मीटर से ज्यादा का लंबा जाम मिले या फिर टोल टैक्स भरने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा का वक्त लगे, इन दैट केस उस वाहन पर टोल टैक्स नहीं लगता। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम ना लग पाए। गाइस, क्या इसके पहले तक यह नियम आप जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के सीक्रेट दस्तावेजों से एक बार फिर से एलियन के अस्तित्व की बात सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि एक UFO 27,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऐसे में एक बार फिर से दूसरी दुनिया के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। साथ ही इन दस्तावेजों में यह भी पता लगा है कि 1940 के दशक के बाद से पिछले कुछ सालों में सैकड़ों UFO देखे गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका के पास एलियन से जुड़े सारे दस्तावेज हैं जिसकी मदद से वे उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स के साथ सबसे बड़ी समस्या डिस्चार्ज होने पर उसे टाइम टू टाइम चार्ज करने की है और ये बहुत बड़ी हेडेक है। लेकिन नीदरलैंड की एक कंपनी लाइट ईयर्स ने समस्या का समाधान निकाल लिया है। उन्होंने एक ऐसी कार बनाई है जिसे हर महीने सिर्फ एक ही बार चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। और ये कंपनी यहीं तक ही नहीं रुकी बल्कि उन्होंने एक ऐसा गोल सेट किया है जिससे कार को 6 महीने में सिर्फ एक ही बार चार्ज करने की जरूरत पड़े। ये कार अभी दो तरीके से चार्ज होती है, एक तो चार्जर से और दूसरा सोलर पैनल से। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी दावा है कि ये कार अपने बेहतरीन फीचर्स के कारण बहुत ही जल्द टेस्ला कार को भी पीछे छोड़ देगी। गाइस, क्या आपको ये लगता है कि लाइट ईयर्स की ये कार एलोन मस्क की टेस्ला कार को पीछे छोड़ पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कई लोग अपने परिवार को पालने के लिए सारी हदों से खेल जाते हैं। एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है गोपाल कृष्ण, जो कि अपने दिव्यांग माँ बाप और छोटे भाई बहन का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाता है। और हैरानी की बात यह है कि यह बच्चा केवल 8 साल का है। उसका कहना है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूं, इसीलिए मुझे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी। गाइस, इसकी मैच्योरिटी देख रहे हो? हमें भी इस लड़के से ये सीखना चाहिए कि बड़ी से बड़ी परेशानी आने के बावजूद भी कैसे आगे बढ़ा जाता है। गाइस, जलवायु परिवर्तन को लेकर UN की एक बैठक चल रही थी और उसी वक्त असेंबली हॉल में अचानक से एक डायनासोर की एंट्री होती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। विलुप्त हो चुके डायनासोर को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। पर वो डायनासोर किसी को मारने नहीं आया था बल्कि उस मंच से लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरे के बारे में बताने आया था। उसने अपने भाषण में कहा कि हम हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे, अब आप भी इसी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। असल में ये सब UN असेंबली में अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत किया गया था। गाइस, आपको UN असेंबली का डायनासोर दिखाकर जलवायु परिवर्तन पर ध्यान खींचने का ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।